दोस्तों, हम में से जो यूट्यूबर है, जो बिगिनर यूट्यूबर है, जिसका चैनल अभी अभी मोनेटाइज हुआ है या फिर मोनेटाइज होने वाला है, या फिर आप लोग अभी अभी यूट्यूब का करियर जो है वो शुरू किए हैं, तो उन लोगों के मन में एक बहुत कॉमन सी क्वेश्चन होता है। मेरे मन में भी था कि यूट्यूब हमें कितना व्यूज़ पर कितना पैसा देता है। तो इस बारे में आज मैं एक बहुत ही डेडिकेटेड वीडियो लेकर आया हूँ कि आप लोग अगर वीडियो में 50K व्यूज़ आता है, 50,000 व्यूज़ आता है, तो आप लोगों को यूट्यूब कितना पैसा देगा। आज इस वीडियो में मैं पूरा मेरा अर्निंग जो है, मेरा फर्स्ट चैनल जो है, उस चैनल में मेरा व्यूज़ पर कितना व्यूज़ पर 50K व्यूज़ पर कितना पैसा यूट्यूब देता है, उसके बारे में आप लोगों को शेयर करूँगा। मेरा पूरा अर्निंग आप लोगों को शेयर करूँगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोग समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। तो ऐसा है, जो अर्निंग होता है यूट्यूब का अर्निंग जो है वो कैटेगरी वाइज अलग अलग होता है। आप लोगों का टेक्निकल जो वीडियोस है, उस टेक्निकल कैटेगरी में आप लोगों का जो अर्निंग है थोड़ा ज़्यादा होगा, या फिर एडुकेशन जो है साइट जो है, एडुकेशन जो वीडियो बनाता है, एडुकेशनल वीडियो या फिर न्यूज़ का होगा, या फिर आप लोगों का जो भी इंफॉर्मेटिव टाइप का वीडियो हो गया, उस कैटेगरी में जो है वो अर्निंग थोड़ा कम होगा। कुछ जो है वीडियो का RPM पर डिपेंड करता है। आप लोगों का जब वीडियो का RPM जो है, जो RPM अगर आप लोगों का हाई है, आप लोगों का हाई RPM जाता है, तो आप लोगों का अर्निंग भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर आप लोगों का RPM बहुत ज़्यादा कम है, आप लोगों का RPM कम होता है, तो आप लोगों का जो अर्निंग है वो भी कम होगा। तो आप लोगों का पूरा में अर्निंग जो है, जो प्रूफ है, जो मेरा 50K व्यूज़ एक वीडियो पर आया है, तो उस वीडियो से मुझे कितना मिला है यूट्यूब की तरफ से, वो आप लोगों के सामने पूरा शेयर करूँगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहना, तभी आप लोग समझ पाएंगे और कुछ नया जान पाएंगे कि कैसे यूट्यूब पैसा देता है क्रिएटर्स को, और आप लोग भी कितना पैसा अर्न कर सकते हैं आगे जाकर। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं अभी आ गया हूँ मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर से मेरा जो YouTube स्टूडियो है, जो YT स्टूडियो है, वो आप लोगों के सामने मैं ओपन करूँगा। तो यहाँ से मैं इसे ओपन कर लिया। तो ये मेरा जो है उस चैनल है, उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। उस चैनल पर मेरा अच्छा खासा व्यूज़ अभी आ रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं तो मैं कैसा वीडियोज़ बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाऊंगा मेरा जिस वीडियो पर 50K व्यूज़ आया था, उस वीडियो में मेरा कितना अर्निंग हुआ था, आप लोगों के सामने मैं लाइव शेयर करूंगा, और उसका RPM कितना था वो सब कुछ आप लोगों के सामने मैं शो करूंगा। तो यहाँ पर व्यू मोर पर क्लिक करके मैं यहाँ पर मेरा जो वीडियो है 50K गया था, उस वीडियो को मैं यहाँ से ढूँढ लेता हूँ। मेरा 50K व्यूज़ आया था, आप लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद, तो यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर गो टू वीडियो एनालिटिक, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आप लोग ऊपर देख सकते हैं, एक बार देखने में आ रहा है, तो इसको मैं राइट पर स्वाइप करके रेवेन्यू पर चला जाऊँगा। तो आप लोग देखिए, यहाँ पर आने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरा 50K व्यूज़ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर $10 यहाँ पर मेरा दिखा रहा है। ओनली $10 यहाँ पर मेरा बना है इस वीडियो से। तो इस वीडियो में इतना कम क्यों बना है? अगर इस वीडियो में मेरा इतना कम बना है, क्योंकि मेरा RPM जो है वो बहुत ही लो चल रहा था। इस वीडियो के लिए मेरा जो RPM था वो बहुत ही लो चल रहा था, इसलिए मेरा जो 50K पर है वो ओनली यहाँ पर $11 जो है वो बना है। आप लोग इसे आप लोग इंडियन रुपीस में अगर आप लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये करीब 800 रुपया यहाँ पर आप लोग को शो होगा। तो सिर्फ 50K व्यूज़ पर मेरा इतना बनाया। तो इस वीडियो का RPM कितना होगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 0.22 RPM मेरा इस वीडियो पर बना है। तो बहुत ही ज़्यादा कम है इस वीडियो में RPM। अगर आप लोग एडुकेशनल वीडियो या फिर कोई भी ऐसा वीडियोज़ आप लोग बनाते हैं, तो उस पर RPM बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर ये वीडियो मेरा टेक्निकल चैनल पर होता, तो इस वीडियो में RPM भी ज़्यादा होता, और मेरा जो वीडियो में अर्निंग है जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ $10 बना है, वहाँ पर मेरा कम से कम $25 या $30 यहाँ पर बन जाता। तो आप लोग यहाँ से आप लोग जान सकते हैं कि वीडियो में इतना भी ज़्यादा अर्निंग नहीं होता। अगर आप लोग का RPM बहुत ज़्यादा कम है, तो बहुत ही कम आप लोगों का अर्निंग होता है। अगर आप लोग इस RPM को बढ़ाना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियोज़ मिल जाएंगे जो RPM ज़्यादा देने वाला कीवर्ड्स है। अगर वो कीवर्ड्स आप लोग यूज़ करेंगे वीडियो पर, वीडियो के टॉपिक पर, तो आप लोग का जो RPM है वो भी हाई हो जाएगा। तो मेरा तो अभी एडुकेशनल चैनल है, तो यहाँ पर
आरपीएम ज़्यादा होने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि मेरा जो टॉपिक्स है वो इतना ज़्यादा आप लोग का आरपीएम ज़्यादा नहीं देगा इस टॉपिक पर अब मैं वीडियो जब बनाता हूँ। तो आप लोग भी अगर टेक्निकल चैनल चलाते हैं या फिर कोई दूसरा कैटेगरी के वीडियोज़ बनाते हैं जिस पर आरपीएम ज़्यादा है, तो इस व्यूज़ पर आप लोग का बहुत ही अच्छा खासा एक आप लोग का अर्निंग हो जाएगा। तो आज अब आप लोग को मैंने दिखा दिया कि मेरा 50 के व्यूज़ पर कितना डॉलर बना था। अगर आप लोग इस वीडियो से थोड़ा कुछ जान पाए या फिर सीख पाए, आशा करता हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।